सुप्रभात बच्चों, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी और उपविषय संदेश लेखन। और बेटा, इसका व्याख्यान है एक। संदेश लेखन ये कक्षा 10वीं में के पाठ्यक्रम में नई चीज़ जोड़ी गई है। लेखन कार्य में, लेखन के अंतर्गत पहले संदेश लेखन नहीं था, पहले निबंध था। निबंध के स्थान पर अब अनुच्छेद कर दिया गया 5 नंबर का, और 5 अंक का उसमें क्या जोड़ दिया गया, संदेश लेखन जोड़ दिया गया है। कला कौशल के विकास के लिए CBSE ने संदेश लेखन और आपके पाठ्यक्रम में जोड़ दिया है। तो आज हम जानेंगे कि संदेश लेखन कैसे करना चाहिए और संदेश किसको कैसे लिखे जाते हैं। संदेश लेखन क्या होता है, संदेश लेखन का प्रारूप व उदाहरण। संदेश क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि संदेश होते क्या है। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता, यानी आपस में सीधी बातचीत नहीं कर सकता, और कोई जानकारी खबर या भेजनी होती है, तो वो किसके जरिए भेजी जाती है, संदेश के जरिए भेजी जाती है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। ये संदेश लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। साथ ही संदेश सुखद भी हो सकते हैं और दुखद भी, दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। और संदेश जो है बेटा, वो भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में, किसी भी काल में लिखा जा सकता है। संदेश लिखने के कारण, संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक हो सकता है या अनौपचारिक भी हो सकता है। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश, यानी अनौपचारिक संदेश कौन से संदेश होते हैं, व्यक्तिगत संदेश होते हैं। और व्यक्तिगत संदेश जो है वो किसको लिख दिए जाते हैं, अपने करीबी को कोई संदेश या सूचना देने के लिए लिखा जाता है, यानी जिसको हम जानते हैं उसके पास व्यक्तिगत रूप से हम संदेश भेजते हैं, उसको क्या कहते हैं, कौन से संदेश होते हैं, वो अनौपचारिक संदेश होते हैं। और अनौपचारिक संदेश बेटा अपने परिजनों को, मित्रगणों को, रिश्तेदारों को या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। अब हम जानते हैं औपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है, तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है, और यह कौन सा संदेश कहलाता है, सार्वजनिक संदेश। आजकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम व्हाट्सएप, ईमेल, SMS, फेसबुक, ट्विटर आदि ऐसे अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए संदेश भेजे जा सकते हैं। संदेश लेखन के प्रकार, कि संदेश लेखन के कितने प्रकार होते हैं, तो संदेश लेखन के निम्न प्रकार हैं। पहला, शुभकामना संदेश। दूसरा, पर्व व त्यौहार संदेश। तीसरा, शोक संदेश। व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश। और छठा, मिश्रित संदेश। तो अब हम जानते हैं कि शुभकामना संदेश कौन से होते हैं। तो बेटा, शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर, कर्मचारियों के पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। दूसरा है पर्व व त्यौहार संदेश, कि जो पर्वों पर, त्यौहारों पर जो संदेश भेजे जाते हैं, वो इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्यौहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली पर, होली पर, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश शामिल है, कि जो त्योहारों पर दिए जाते हैं वो संदेश है।
तीसरा है शोक संदेश। तो इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। पुण्यतिथि होती है जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी जिस व्यक्ति की, उसको क्या बोलते हैं, पुण्यतिथि बोलते हैं। व्यक्तिगत संदेश परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है, ऐसे संदेश व्यक्तिगत संदेश कहलाते हैं। जैसे बधाई के लिए हो गया, जन्मदिन की बधाई दी आपने, शुभकामना संदेश हो गया, और कहीं आने जाने का अगर संदेश देना हो तो इस तरह के संदेश व्यक्तिगत संदेश कहलाते हैं। सामाजिक संदेश। सामाजिक संदेश धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश हैं। ये धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए होते हैं, और जैसे पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कौन से हो गए, सामाजिक, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए ये संदेश दिए जाते हैं, और इसलिए ये कौन से संदेश हैं, सामाजिक संदेश हैं। अब मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू मलेरिया आदि से संबंधित जो संदेश होते हैं, या बाढ़ भूकंप आदि से संबंधित संदेश, या देश से जुड़ा हुआ कोई भी संदेश हो सकता है, ये संदेश किस में आते हैं, मिश्रित संदेश में। जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है, कोरोना के लिए लोगों को संदेश दिया जा रहा है, अपने मुंह को ढक कर रखे, घर से बाहर ज़रूरी काम के लिए ही जाए वरना अपने घर में ही रहे, हाथों को बार बार साबुन से धोए। सूचना तथा संदेश में अंतर। हमें संदेश लिखना है सूचना नहीं, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि सूचना और संदेश में क्या अंतर होता है। सूचनाएं पूर्णतया औपचारिक होती हैं, संदेश औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। सूचना अधिकतर सूचनाएं सार्वजनिक होती है, यानी जो सूचनाएं होती है वो सार्वजनिक होती है, जबकि संदेश व्यक्तिगत होते हैं। सूचना में कार्यालय शब्दावली होती है, संदेश में भावात्मक सरल और विषय अनुसार शब्दावली हो सकती है। संदेश लेखन के वक्त निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब वो बातें कौन कौन सी है वो जानते हैं। तो सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए, यानी संदेश लेखन किसके अंदर करना है आपको, उसके लिए आपको एक बॉक्स बनाना है या फिर आप गोला बना लीजिए, उसके अंदर आप संदेश लेखन लिखेंगे। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें, यानी जब संदेश लिखना आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले उसमें बीच में आप क्या लिखेंगे, संदेश लिखेंगे बॉक्स के अंदर, उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे, समय लिखेंगे व संबोधन लिखेंगे, फिर आप मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करेंगे, यानी शब्द कम हो लेकिन शब्द कैसे हो, प्रभावशाली शब्द हो, और अंत में संदेश लिखने वाले का आप नाम अवश्य लिखेंगे। और संदेश लेखन की शब्द सीमा जो है वो 30 से 40 शब्द के बीच में होनी चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषय अनुसार चित्रों का भी उपयोग आप कर सकते हैं, और अगर शायरी दोहे श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी आप संदेश शायरी के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से या कविता के माध्यम से आप संदेश दे सकते हैं। संदेश में रचनात्मकता और सृजनात्मकता होनी चाहिए, यानी संदेश के अंदर आपकी रचनात्मकता और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी वहां पर हो। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए।
संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अब संदेश लेखन का एक प्रारूप देखते हैं हम कि किस तरह से संदेश लेखन करेंगे। तो प्रारूप ऐसे होगा कि सबसे पहले तो हम बॉक्स बनाएंगे संदेश लेखन के लिए बेटा, और फिर बॉक्स बनाने के बाद हम बीच में सबसे पहले संदेश लिखेंगे। इस संदेश को आप चाहें तो रेखांकित भी कर सकते हैं, रेखांकित नहीं करना चाहें तो नहीं कर करें, ठीक है। उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे, उसके बाद आप समय लिखेंगे, ताकि संदेश जो आपने भेजा आपको पता हो कि भाई इस तारीख को मैंने संदेश भेजा था, इतने बजे भेजा था, और संबोधन यानी जिसके पास आप भेज रहे हैं संदेश को उसके लिए यहाँ आप संबोधन लिखेंगे। फिर आप विषय वस्तु लिखेंगे, विषय वस्तु 30 से 40 शब्दों में होनी चाहिए। 30 से 40 शब्द आपको गिनने नहीं होते बेटा, जो एग्जामिनर होता है वो ये सोच के चलता है कि भाई एक लाइन में 8 से 10 शब्द होते हैं, तो आपको उसके हिसाब से बस लिखना है, शब्दों को गिनकर नहीं लिखना। और अंत में आप क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। और अगर आपका उसमें नाम दे रखा है प्रश्न पत्र के अंदर तो यहाँ नाम लिखेंगे आप वही नाम, नहीं तो आप अपना नाम न लिख कर यहाँ पर कह कह गए लिखेंगे, क्योंकि अपनी पहचान उसमें नहीं लिखनी होती है। उसके बाद अब हम देखते हैं संदेश लेखन के कुछ उदाहरण। अब अपने मित्र की दादी जी के निधन पर उसे सांत्वना देते हुए सहानुभूति से परिपूर्ण एक श्रद्धांजलि संदेश लिखिए। तो देखिए ये बॉक्स बना दिया, सबसे पहले तो क्या बनाया, बॉक्स बना दिया, उसके बाद बीच में क्या लिखना है आपको, संदेश लिखना है, उसके बाद दिनांक, उसके बाद समय, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे प्रिय मित्र, यहाँ ये संबोधन हो गया, तो ये मित्र के पास शोक संदेश इस तरह से लिखा। फिर होनी को कोई नहीं डाल सकता, ईश्वर की इच्छा के सामने इंसान बेबस होता है, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, आपकी दादी जी की आत्मा को शांति मिले, इस दुख की घड़ी में ईश्वर आपको धैर्य एवं शक्ति प्रदान करें। यहाँ पर क ख और गह। एक और उदाहरण देखते हैं कि मित्र को राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक मिलने पर शुभकामना संदेश लिखिए। वो शोक संदेश था और ये शुभकामना संदेश है। तो इसमें भी देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और बॉक्स आप आकर्षक तरीके से बनाएं ताकि देखने वाले का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। बीच में फिर आप संदेश लिखेंगे और यहाँ पर आप फिर दिनांक लिखेंगे, उसके बाद समय, उसके बाद प्रिय मित्र साहिल, सुशांत से तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला, राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में तुम्हें रजत पदक मिला, इस कामयाबी से तुमने अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन कर दिया, इसी तरह मेहनत करके अगले वर्ष स्वर्ण पदक हासिल करना, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क ख ग, परीक्षा के लिहाज से आपको क ख ग ही लिखना है, नाम नहीं लिखना, अगर प्रश्न पत्र में हो तो ही नाम लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना। तीसरा उदाहरण है जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। तो वही है बेटा, पहले बॉक्स, फिर संदेश लिख दिया, फिर हमने यहाँ पर तुकबंदी कर दी, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, फिर दिनांक लिख दिया, समय लिख दिया, और प्रिय बेटा राम, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, तुम्हारी मामी। यहाँ हमने नाम लिख दिया है, आप यहाँ पर क ख ग भी लिख सकते हैं। अगला उदाहरण है भारत के राष्ट्रपति की ओर से देश की जनता को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बधाई देते हुए संदेश लिखिए।
तो अब राष्ट्रपति की ओर से संदेश देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा। सबसे पहले संदेश, राष्ट्रपति भारत सरकार, दिनांक और समय, स्वतंत्रता दिवस के महापर्व पर राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी अमर बलिदानियों को कोटि कोटि नमन, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद। अब गृह कार्य देखिए बेटा कि आपको दो यहाँ पर दिए गए हैं संदेश लिखने के लिए। एक तो कोरोना वायरस से बचाव को लेकर राष्ट्र के नाम संदेश लिखिए, और दूसरा है आपका मित्र विदेश में रहता है उसे होली की शुभकामनाएं देते हुए संदेश लिखिए।